और आगे बढ़ते हैं, आखिर यूपी पुलिस इस केस को सुलझाने में नाकाम क्यों है? ये तस्वीर अभी तक आपने देखी, लेकिन एक और खबर की बात करते हैं। अब वक्त ये जानने का है कि आपके मुख्यमंत्री आज क्या कर रहे हैं। शुरुआत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 30वीं पुण्यतिथि है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के कैंपस में उनके चित्र पर माल्यार्पण की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आप इस वक्त आप देख रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा पहुंचे। सीएम के साथ उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धार्मिक संस्थाओं से सामाजिक जागरूकता लाने के लिए काम करने की अपील की है। महावीर वात्सल्य अस्पताल के 11वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि महावीर मंदिर जैसे बड़े मंदिरों को बाल विवाह और बेटियों के साथ हो रहे भेदभाव के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह और कुपोषण की वजह से नाटपन एक नई समस्या बनती जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उत्क्रमित चाइल्ड आईसीयू के साथ ही यहां लगे स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन भी किया। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद वीरभद्र सिंह को जमानत दे दी गई। इससे पहले वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह पर सहित की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर आज सुनवाई की गई। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह के वकील ने सीबीआई की दलीलों का विरोध किया, साथ ही कहा कि सीबीआई अपना असली रंग दिखा रहे हैं। सीबीआई की जांच निष्पक्ष नहीं है और वो राजनीतिक इशारों पर काम कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह आज विदेश दौरे पर रवाना हो गए। रमन सिंह दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना हुए हैं। इसके बाद रमन सिंह जापान जाएंगे। कुल मिलाकर रमन सिंह का यह पूरा दौरा 10 दिन का होगा। 10 दिन की विदेश यात्रा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह रवाना हुए हैं और जब ये दौरा खत्म होगा तो रमन सिंह 7 जून को वापस स्वदेश लौट आएंगे। और खबरें लगातार जारी हैं, आगे आपको दिखाएंगे मंच पर मंत्री जी के ठुमके। बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। कश्मीर से